वेलकम दोस्तों दोस्तों आज मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था और उन्होंने लिखा था कि जो स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर और टोटल प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जो स्टैटिक प्रेशर है, देखिए हम जब किसी डक्ट में कोई डक्ट है से इस डक्ट में यहाँ पे हमने एक प्रेशर गेज लगाया, एक टैप लेके है ना, और यहां से हमने इस पे एक प्रेशर किया, सेंस किया इसकी बॉर्डन ट्यूब में, ठीक है, स्टैटिक प्रेशर। तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जितना प्रेशर जनरेट हो रहा है प्रेशर हमेशा इक्वलाइज होने की कोशिश करता है। तो वो जो इस पेरिफेरी से जिस जो पूरा सर्कुलर डक्ट है, ये पूरा सर्कुलर डक्ट है, इस पूरे सर्कुलर डक्ट के अंदर जो प्रेशर इक्वलाइज होगी, जो बॉर्डन ट्यूब को प्रेस करेगा और जो प्रेशर बनेगा ये स्टैटिक प्रेशर होगा दोस्तों, ठीक है। और अब क्या है, देखिए मैंने अब चेंज कर दिया, अब मैंने प्रेशर कहाँ से दिया दोस्तों, अब मान लीजिए मीडिया का फ्लो ऐसा था, ठीक है, जो भी फ्लूइड था, गैस था, एयर था, जो भी था, इसका मैं यहाँ से लाके सेंटर पॉइंट से प्रेशर कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे टैपिंग देके यहाँ पे गेज लगा के ये मैं प्रेशर गेज के बॉर्डर में लूँ। तो आप देखिए इस सेंटर पे गैस की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो क्या होगा, यहाँ जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी अपने मोमेंटम के कारण इस एरिए में प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है दोस्तों। सो ये जो प्रेशर रहेगा है ना, ये जो प्रेशर रहेगा, देखो ये वेलोसिटी का प्रेशर इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि ये तेज से आ रहा है और ये यहाँ पे जो भी बॉर्डन ट्यूब को अंदर इस वेलोसिटी के कारण दबा रहा है, लेकिन अगल बगल में भी इसके पास प्रेशर है जो पहले का प्रेशर है, ठीक है, तो वो भी इस प्रेशर को साथ में एड ऑन कर रहा है। तो ये जो मैं सेंटर से अगर किसी ट्यूब को लूं और ले जाकर प्रेशर गेज से आप लूं तो इसको मैं बोलता हूं टोटल प्रेशर, ठीक है दोस्तों। टोटल प्रेशर क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये इसकी सराउंडिंग, जहां से वेलोसिटी प्रेशर को मैं सेंटर में ले रहा हूं, लेकिन इसकी सराउंडिंग में जो प्रेशर है वो भी इसमें एड ऑन है, वो भी इसको प्रेस कर रहा है कि जा तू उसके अंदर जाके प्रेशर बॉर्डर ट्यूब को दबा। सो इसमें टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर मींस वेलोसिटी प्रेशर प्लस है ना, वेलोसिटी प्रेशर प्लस स्टैटिक प्रेशर, ये दोनों प्रेशर इसमें इंक्लूडेड है अगर हम प्रेशर गेज को ऐसा लगाते हैं, है ना दोस्तों। अब क्या है कि अब मैंने क्या किया, अब मेरे को वेलोसिटी प्रेशर खाली निकालना है। तो वेलोसिटी प्रेशर, सपोज यहां पे मेरा प्रेशर अभी आ रहा है ए, दिस इज माय टोटल प्रेशर, ठीक है, और अब मैंने क्या किया, एक मैंने लगाया यहां पे प्रेशर गेज, यहां पे प्रेशर गेज लगाया मैंने, टैपिंग देके यहां पे मैंने प्रेशर गेज लगाया, ये मेरा प्रेशर पी, ये टोटल प्रेशर है, ए इज टोटल प्रेशर, ठीक है, एंड बी इज व्हाट, बी इज हमने यहां देखा था दिस इज स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये ए और बी के बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना दोस्तों, इसको भी हम नाप सकते हैं इसके बीच में, या आपको ये दोनों वैल्यू अगर नजर आ जाए तो आप इसको मैथमेटिकली भी माइनस कर सकते हो। फिजिकली अपन कैसे मेजर करेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर हम ए माइनस बी करें इससे कोई वैल्यू अगर हम सी डिराइव करते हैं तो दिस इज अवर वेलोसिटी प्रेशर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वेलोसिटी प्रेशर है, और वेलोसिटी प्रेशर का यूज क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी प्रेशर का यूज होता है कि जब हमको कहीं पे एक ऐसा गोल डक्ट है ना, या रेक्टेंगुलर डक्ट है, से रेक्टेंगुलर डक्ट है, ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर डक्ट में हम लोगों को फ्लो निकालना है, ठीक है, तो फ्लो निकालना है तो हम क्या करते हैं, अलग 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 पोर्शन से हम उसकी वेलोसिटी नापते हैं, और वेलोसिटी नापने के बाद है ना हमको ये जो यहां यहां से हम अलग अलग जगह से इसका वेलोसिटी प्रेशर नापते हैं, ठीक है दोस्तों, और वेलोसिटी प्रेशर नापने के बाद हमको जब इसकी वेलोसिटी निकालनी रहती है, फ्लो निकालने के लिए वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड निकालनी रहती है, तो उस समय जो हमारा पिटोट ट्यूब का कॉन्स्टेंट सीपी जो भी रहता है उसमें रूट में 2 × 9.81 × डेल्टा पी अपॉन गामा करते हैं, दिस इज कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, ठीक है, पिटोट ट्यूब का कोफिशियंट है
एंड एवरेज वेलोसिटी प्रेशर, डेल्टा पी इज एवरेज वेलोसिटी प्रेशर एंड ये जो गामा है दिस इज गैस डेंसिटी जिसका फ्लो हम मेजर कर रहे हैं, दिस इज गैस डेंसिटी। सो अभी हाल फिलहाल इस पे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बना के अलग से बता दूंगा दोस्तों। अभी हमारे उसमें हमको देखने वाली चीज ये है कि अगर कोई डक्ट है और उसके यहाँ से हम कोई प्रेशर का टैपिंग लेके गेज में नाप रहे हैं तो दिस इज स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अगर कोई डक्ट है उसके सेंटर से हम लेके यहाँ पे प्रेशर गेज लगा रहे हैं तो दिस इज टोटल प्रेशर, ठीक है। इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ। और मान लीजिए कॉमन डक्ट थी, ये कॉमन डक्ट थी, इसमें हम बी माइनस ए अगर हम कर देते हैं ये टोटल प्रेशर है, ये स्टैटिक प्रेशर है, बी माइनस ए अगर हम कर देते हैं तो हमारा वेलोसिटी प्रेशर सी आ जाए, ठीक है दोस्तों। सो बहुत सिंपल चीज है दोस्तों और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज भी होती है ना, तो हम लोगों को इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आप लोग इसको एक बार रिवाइज करिएगा अपनी बुकों में, मैं कल या परसों में इसके एकदम ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।